काशी विश्वनाथ मंदिर के पास दो मकान ढहे, पुलिसकर्मी समेत 9 लोग दबे, एक महिला की मौत। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप में स्थित दो पुराने मकान आज देर रात करीब 2 बजे ढह गए हैं। मकान ढहने के चलते एक सिपाही समेत कुल 9 लोग मलबे में दब गए हैं। वहीं हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि दो मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक को यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग CMO CMS की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके। कितने साल पुराना मकान होगा ये? ये देख के लग ही रहा है कि करीब 70-80 साल पुराने मकान हैं और ये पुराने मोहल्लों के मकान हैं और दीवारें एक दूसरे घर से अलग नहीं होती हैं। एक दूसरे की दीवार का सपोर्ट या एक ही दीवार पे मल्टीपल मकान बनने का यहाँ पे जनरली चलन है, उसी के अंतर्गत ये दीवार थी। हालांकि बाहर को देख के लग रहा था कि इंटैक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाले फ्लोर कोलैप्स हुए और नीचे वाले फ्लोर अभी भी इंटैक्ट है उस मकान के। ऊपर के 3rd और 2nd फ्लोर के कोलैप्स होने की वजह से उसमें जो लोग फंसे हुए थे वही लोग अफेक्ट हुए और उन्हीं लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अब अपनी समाप्ति की तरफ है। परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे, जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल यहाँ का कबीर चौरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, उसको BHU ट्रामा सेंटर भेजा गया है जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, NDRF है, SDRF है, फायर सर्विस है, PAC है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। इसमें जो कबीर चौरा हॉस्पिटल में एक महिला के मौत की इसमें खबर आई है जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। कुछ दबे हुए हैं अभी? अभी जैसा परिवार के सदस्यों का कहना है कि सभी लोग निकाले जा चुके हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य इसमें नहीं है। फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पर अपने जो डॉग स्क्वाड है उसके माध्यम से इस बात का पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति इसके अंदर मलबे में कोई और तो नहीं दबा है। विश्वनाथ मंदिर के नजदीक है और ये बिल्कुल फटा हुआ है और जर्जर था, इसको डिमोलिश करने की भी कोई महीने से बात चल रही थी या नहीं? अभी इस तरह की कोई बात नहीं है और अभी हम लोगों का पूरा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और जो भी इंजर्ड है उनको इलाज कराने पर पूरा ध्यान है। महिला कांस्टेबल यहाँ ड्यूटी पर थी, मंदिर में ड्यूटी करने आई थी जो इंजर्ड हुई है।